हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्रेस स्टे करनी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। आज की क्लास आपके जो एलिगेशन चल रहा था, मिश्रण चल रहा था, उसमें पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट सब कवर हो चुका है। हम लोग चार पार्ट भी कवर कर चुके हैं, ये आपका पाँचवा पार्ट है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे पहले एक सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक बार क्या होता है, एक राजा साहब होते हैं और बहुत ही मतलब काफ़ी वीर होते हैं, बहुत सारे युद्ध जीते होते हैं उन्होंने। प्रजा उनसे बड़ा संतुष्ट रहती है, अपने प्रजा का केयर भी करते हैं, ध्यान रखते हैं, मगर उनके कोई वंश में पुत्र नहीं होता है या कोई उनके औलाद नहीं होती है। बहुत सारी मिन्नतें और बहुत सारा सब कुछ करने के बाद में, प्रेयर प्रार्थना सारा मानदान करने के बाद में, एटलीस्ट उनके घर एक पुत्र का जन्म हो जाता है। जब पुत्र का जन्म हुआ तो राजा साहब बहुत खुश हो गए। इतना खुश हुए कि उन्होंने एक ऐलान करवा दिया कि मेरी प्रजा को बुलाया जाए और जो भी आ करके कुछ भी पहले टच कर लेगा, छू लेगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो ये खबर फैला दी गई। और जब ये खबर फैल गई बहुत अच्छे से, तो सब लोग उत्सुक हो गए कि चलो, किसी ने सोचा हम सोना छू लेंगे, किसी ने सोचा हम पैसे सारे छू लेंगे, किसी ने सोचा हम अस्तबल छू लेंगे, किसी ने सोचा हम ये अनाज छू लेंगे, तो ये सारा मेरा हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा था, उसने सोचा हम भी चलें। पापा से जिद की। पापा ने कहा, अरे बेटा बहुत भीड़ होगी वहाँ पर, चोट फेट लग जाएगी, कुछ हो सकता है। तो उसने जिद कर दी, नहीं जाऊँगा। अब बच्चों की जिद तो बच्चों की जिद, लेकिन गया वो। वहाँ पर सब लोग अपने अपने पहुँच गए छूने के लिए, इधर से उधर सारी चीज़ें। वो गया और जा करके उसने जा करके सीधे जिस चीज़ को छुआ तो सबके सब हैरान हो गए। और वो चीज़ कोई और नहीं थी, वो थे स्वयं महाराज। उसने महाराज को जा करके छुआ और कहा, आप राजा हुए हमारे। तो ये होता है एक हाई लेवल की सोच, एक सकारात्मक नज़रिया। एक छोटी सोच रखने वाला छोटे स्तर तक सोच सकता है, और भले ही वो बच्चा हो, आयु का यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं होता है कि आपके मेंटेलिटी से, आपके सोच से, आपके आईक्यू लेवल से। आयु और आईक्यू लेवल, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये दोनों अलग अलग एक प्रकार के पहलू हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग। अच्छा, तो क्लास में देखो, हम लोग ने पढ़ लिया था कि जब समान आयतन होते थे, समान आयतन होते थे और उसमें दो मिश्रण होते थे, दूध और पानी, या अल्कोहल और पानी, या दूध और अल्कोहल, कुछ भी मिला दो। जब समान मिश्रण होते थे या समान आयतन होते थे बर्तनों के, तब हम लोग क्या करते थे, दो बर्तन का, जैसे इस ग्लास का हमने मिला दिया तीसरे ग्लास में, और फिर बताते थे कि उसमें दूध और पानी कितना है। मान लो एक ग्लास है, इसमें दूध पानी थोड़ा गाढ़ा है, दूध गाढ़ा है, इसमें दूध पतला है। जब हमने इसको मिला दिया तीसरे ग्लास में, तो हम लोग बता देते थे कि जो तीसरे ग्लास में जाएगा तो दोनों का दूध मिला करके दूध का अनुपात क्या होगा। इसमें मान लो दो भाग था, इसमें पाँच भाग था, ठीक है, और यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना भाग हो जाएगा। ठीक, ये नहीं सात भाग हो जाएगा। चलिए उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और उसमें हम लोग और चीज़ सीखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो सवाल आपके सामने दिया हो, पढ़िएगा इसको। सवाल में कहा है, ए बी तथा सी तीन गिलासों में क्रमशः 2:3:4, इसमें ये बता रहा है कि ग्लास का अनुपात दिया है। मतलब कि अगर एक ग्लास में दो भाग आता है तो दूसरे ग्लास में तीन भाग, या चौथा और तीसरे ग्लास में चार भाग। भाग का मतलब हो सकता है 2 लीटर हो, 3 लीटर, 4 लीटर के एक ग्लास हो, बड़े बड़े हो सकते हैं। अनुपात में पानी और अल्कोहल के प्रत्येक ग्लास में पानी तथा अल्कोहल का अनुपात 1:5, 3:5, 5:7 है। यदि तीनों ग्लास के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो इस प्रकार मिश्रण में या प्राप्त मिश्रण में पानी था अल्कोहल का अनुपात क्या होगा। पानी और अल्कोहल का अनुपात पूछा आपसे, तो इसको देखते हैं। ये तीन ग्लास है मेरे पास जिनके आयतन अलग अलग प्रकार के हैं, ये अलग अलग आपको दिख रहा होगा। ये मान लो अगर 2 लीटर का है तो ये कितना हो जाएगा, 3 लीटर का। उसी अनुसार इसको बताया है 4 लीटर का, अनुपात बता दिया जो भी है। इसमें भी क्या है आपका, मिल्क है और वाटर है। इसमें भी मिल्क है, वाटर है, मिल्क है और वाटर है। वाटर माने सबको पता है पानी। इसमें बताया 1:5 में है, तो 1:5 हो गया। इसका अनुपात कितना दिया है, तो इसका अनुपात दिया था 3:5, और इसका अनुपात दिया था 5:7 दिया था। यहाँ तक क्लियर। अब हमको निकालना है कि
जब इन सबको हमने डाल दिया एक तीसरे बड़े बर्तन में, इस तीसरे बड़े बर्तन में डाला, तो यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आपके SSC 10+2 है, MTS वगैरह पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने सीधा सा लिखा, एक दूध लिख लिया, अब इसको हिंदी में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने दूध लिखा, तो देखा पहले बर्तन में कुल भाग कितना था, तो कहा 6 भाग था। दूध कितना है, 1 भाग है। बर्तन कितने लीटर का है या कितने अनुपात का है, 2 भाग का है। इस दूसरा लिखा, कुल कितना है, 8 है, जिसमें दूध कितना है, 3 है, और बर्तन कितने अनुपात का है, 3 अनुपात का है। आगे इसको लिखा, देखिए इसमें कुल कितना है, तो कुल है 12 भाग, जिसमें दूध है 5 भाग और बर्तन का रेशियो है 4 का। क्लियर। अगली चीज़ हम लिखते हैं यहीं पर, देखो आराम से समझते चलो सारी चीज़ों को। इसमें देखा हमने कि छः भाग में 1 भाग दूध हो गया, तो पानी कितना बचा, 5, जो कि आपका सामने भी लिखा है। तो 5 पानी हो गया 6 भाग में, बर्तन का रेशियो 2, इसमें 5 होगा, ये देखो 5 पानी है और 8, बर्तन का रेशियो 3, और इसमें होगा 7 पानी 12 भाग में और बर्तन का रेशियो 4, ये आ गया। इस प्रकार से आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 2 से कटा 3 बार में, ये कट नहीं पाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, 1/3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इस प्रकार लिखे तो आ जाएगा 1/3, इसका कितना आएगा, तो प्लस 9/8 और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 5/3, ये बन गई सिंपल सी क्वेश्चन। इसको अगर देखें तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा, नहीं ये नहीं कटेगा सॉरी, ये वैसे का वैसा रहेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से कटा 3 बार में, अब इसको अगर हम लिखें तो ये बनेगा आपका 5/3, ये आ गया आपका 5/3, यहाँ पर इसको देखा तो प्लस 3 × 5 = 15, 15/8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/3, ये आ गया। तो जनरल साहब आपको क्या करना है, आपको LCM ले लेना, LCM इनका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, LCM यहाँ लेते हैं, सवाल हटा दो भाई, सवाल हट गया। दूध और पानी, इसका LCM कितना, तो इसका LCM हो जाएगा 24 आ गया। 3 से कटा 8 बार में, तो ये 8 प्लस 8 से कटा 3 बार में, और 3×9 = 27, 3 से कटा 8 बार में, 8×5 = 40, ये आ गया इस प्रकार से। इसका अगर देखें तो इसका भी LCM 24 आएगा, 3 से कटा 8 बार में, 8×5 = 40, प्लस 8 से कटा 3 बार में, और 3 को 15 से गुणा कर दिया, 15×3 = 45, प्लस 3 से कटा 8 बार में, 8×7 = 56, ये आ गया। 24 से 24 कट गए, अब इनको आप ऐड कर दो, ऐड करने बाद दूध और पानी का रेशियो निकल आएगा। देखो इसको हम अगर ऐड कर दें तो ऐड करने पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 8×7 = 15 × 5, और यहाँ पर 4×2 = 6 = 7 = 75, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6×5 = 11, 11×1 = 1, 5×9 = 13, 1×14 = 141। अब देखो ये दोनों 3 से कट भी जाएंगे, इनको काट दिया, 3 से कटा तो ये 3 × 4 = 21, और ये बचा आपका 3×7 = 21, यहाँ पर कटा 25, तो ये निकल के आ गया आपका 25 क्या है, दूध है, और वाटर कितना है, या आपका पानी कितना है, 47 है। देखो हो सकता है आपको लग रहा हो सवाल बड़ा हो गया, लेंथी हो गया, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं, जब आप पेन से करते हो ना तो ये सारी चीज़ें आप निगलेक्ट कर देते हो, आप मिटाते हुए चलते हो, हमने कोई भी स्टेप मिटाई नहीं, आपके सामने सारी चीज़ें लिख दी हैं, यहाँ पर आपके सामने लिख दी है, यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ आपके सामने हैं, ठीक है। और रह गए क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन आपने पहले से स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसलिए मैंने हटा दिया क्वेश्चन को, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए जो भी चीज़ समझनी हो। अब इसको हम बताते हैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से, या थोड़ा सा रेशियो मेथड से इसको बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, इसको हटाते हैं। देखो आई होप आप समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आती हैं, एग्जाम में यही सवाल बनते हैं, इस प्रकार से बनते हैं जिस प्रकार से आप कर ना पाओ। बाकी इजी इजी तो सब को पता है, 16 रुपये में बेचा, 15 रुपये में बेचा, औसत निकाल लो या मिश्रण निकाल दो। चलिए रेशियोस देखते हैं इसको, तो हमने लिख लिया यहाँ पर है दूध और पानी। देखो पहला बर्तन ले लिया, तो पहले बर्तन में दूध और पानी कितना दिया, 1 दिया है, अनुपात 5 दिया है, ठीक। कुल कितना हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा 6। अच्छा इसका जो ये बर्तन का रेशियो है, तो ये कितना दिया, ये 2, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अगला बर्तन देखते हैं, दूसरा, इसमें कितना दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है,
कुल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। बर्तन का रेशियो 3, तीसरा बर्तन देखते हैं थर्ड, तीसरे में कितना दिया है 5:7 दिया है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, बर्तन का रेशियो 4, बर्तन का रेशियो 4। अब एक चीज़ आप देखो, ये 6 8 12 जो निकल के आए हैं, इन सबका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्यों, क्योंकि आपने अभी लिया था उसमें 1/3 1/8 मतलब जो भी था 3/8 3 इस प्रकार से आया था, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो 6 8 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 12 2 24 ये भी 24 सारे 24 से क्या हो जाएंगे, सब 24 को काट देंगे। तो इसको 24 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दें, इसको हम गुणा करते हैं 4 से, ठीक। ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसको 24 बनाने के लिए क्या करें, इसको 24 बनाने के लिए हमें गुणा कर दें 3 से, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसको 24 बनाने के लिए क्या करें, इसको 24 बनाने के लिए हम गुणा कर दें 2 से, हो गया। तो हमने कितना एक्स्ट्रा गुणा किया है, तो हमने इन दोनों को एक्स्ट्रा गुणा किया है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना, अब इसको उठाकर 4 2 8 इसको 7 में गुणा कर दो, जो आपने अलग से गुणा किया एक्स्ट्रा। तो 8 51 8 और 8 को इससे गुणा किया तो 8 5 46 इसको किया तो 3 3 9, अब इसको 9 से किया तो 9 3 27 फिर 9 को उठा के 9 5 45 4 2 8 और 8 को 8 5 46 और 8 को इससे किया तो 8 7 56 ये हो गया। अब क्या करना है, ये देखो, ये आपका दूध हो गया, ये दूध हो गया, ये दूध की मात्रा निकल आई, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, जोड़ दो 8 और 27 8 27 40 इसको जोड़ा तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ लो तो यहाँ पर 8 से 15 ये आएगा 5 और ये आएगा 7 75 और यहाँ पर जोड़ा तो ये 6 5 11 का 1 और यहाँ पर 9 5 14 ये आ गया 141। तो 75 141 जो का पहले क्वेश्चन में यही क्या रहा था आपका 75 और कितना 141, मतलब जो हमने मिला दिया, मिलाने पर ही आएगा। कटने लायक है तो काट दो, 3 से कटा 25 बार में और ये 3 चक्कू 12 और 3 7 21 ये बन गया दूध और पानी का। जब मैं तीनों बर्तन को मिला लिया तो इस प्रकार से आपका बनेगा, क्लियर है। तो आपने इतना देख लिया, आपने वो भी तरीका देख लिया, अगर आप उसको पसंद करते तो उससे कर लेना, अगर आपको ये पसंद है तो आप इससे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने पहले से मैंने दे दिया था, आपने समझ लिया है पूरा क्वेश्चन, तो अब इसको हम हटाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हम कोशिश करें कि इसी से अब करें, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं अगला सवाल, पढ़िएगा अगला सवाल भैया क्या है। बिल्कुल क्लास की तरह से माहौल बना के पढ़ो, क्योंकि इस आराम से हम क्लास में समझा पाते हैं इस तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। चलो इसको हम नहीं बिठाते हैं, क्या आवश्यकता पड़ने वाली है इस सवाल में। सवाल में कहा है 3 बर्तन ABC जिनके अनुपात में 3:4:5 है, तो इन बर्तनों का अनुपात हो गया 3, इसका रेशियो हो गया 4 और इसका हो गया 5। फिर कहा इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:2 6:1 9:5 मतलब ये अनुपात दिए हैं। इन बर्तनों के मिश्रण को एक नए बर्तन में मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अनुपात भैया कितना दिया है 52:61:95 तो ये हो गया आपका 5:2 6:1 9:5 दिया है, इनको मिला दिया, ठीक। ये दूध और पानी ही है तो हमने सिंपल सा लिख दिया दूध और पानी। पहला बर्तन जल्दी से लिखो, अब इसको इसमें कितना है तो इसमें दूध है 5, पानी 2। दूसरे बर्तन में देखो भैया क्या है 6:1 6:1 है। तीसरे बर्तन में क्या है, तीसरे बर्तन में 9:5 है। चलो ये कितना आया 5:2 7 ये कितना आया 6:1 7 ये कितना आया 9:5 14। आपको पता होगा एलसीएम किसका लेना है, तो एलसीएम लेना है इन सब का, ठीक है, जो आपके ऐड होकर आए हैं। अलग से क्या है इसमें, तो अलग से इसमें 3 अनुपात दिया है बर्तन का, इस बर्तन का अनुपात 4 है। अगर बर्तन समान होते तो हम लोग कुछ नहीं करते ये चीज़, ठीक है। अब इसमें कितना है 5 अनुपात। अब देखो एलसीएम लासा इनका कितना आएगा, तो इसका लासा आएगा 14 और इसको 14 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दे 2 से, इसको गुणा कर दे 2 से, इसको 14 और इसको 14 पहले तो 1 से गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने एक्स्ट्रा क्या गुणा किया है, तो ये एक्स्ट्रा गुणा की है, अलग से गुणा की है, ठीक।
तो हमको इससे गुणा कर देनी है, 3 × 6 = 30। समझ पा रहे हो, यहाँ पर 6 हुआ, 6 को 5 से गुणा किया 30, और 6 को इससे गुणा किया तो 6 × 2 = 12, ये आ गया। 4 × 8 और 8 × 6 कितना होता है, 8 × 6 = 48। 8 को 6 से गुणा किया, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आ गया, ठीक। 5 को 9 से गुणा किया तो 5 × 9 = 45, और 5 से किया तो 5 का आ गया 25। इतना क्लियर है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम मिलाने वाले किसी अलग बर्तन में, तो ये नए बर्तन का अनुपात जो निकलेगा किसका, दूध और पानी का, दूध जोड़ दो इधर, तो ये देखो कितना हो जाएगा 30, ये 8 × 5 = 13 का 3 हासिल आया, 1 × 3 = 4 यही पर होगा, 4 × 4 = 8 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा 123। इसका देखो भाई कितना हो जाएगा, ये अनुपात लगा दिया निशान, यहाँ पर 2 × 8 = 10 और 10 × 5 = 15 के 5 कई 1 आ गया, फिर 2 × 1 = 3 = 4 = 45 बन गया। तो ये इस प्रकार से आपका बन चुका 123 रेशियो आपका कितना है, 123 और 45, ठीक है, 123 / 45 आ गया। कटने लायक हो तो काट दो, देखो ये कट जाएगा 3 से कटेगा 3 × 4 = 12 और 3 × 1 = 3 तो 41 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दें 41 दिख रहा होगा, और 3 से कटा तो ये आ जाएगा भैया आपका 15 से, ठीक। तो अब आप देख लो कि दूध कितना है जब नए बर्तन में डाला जाएगा 41, और पानी कितना है तो पानी 15 भाग है, 41 और 15 भाग आ चुका है, 41 और 15 रेशियो बन चुका है 41 और 15। जब इन तीनों बर्तन को हम एक नए बर्तन में डालेंगे तो दूध का और पानी का अनुपात इस भाग में पहुंच जाएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ 9 था, इन सबको जोड़ लें, या फिर इसको हम गुणा कर लें, इसको गुणा कर लें, इसको गुणा करके जोड़ दें, ऐसा नहीं। बस अगर करना है तो क्या कर सकते हो कि आप इनको यहीं पर जोड़ के एलसीएम निकाल लो, इसको जोड़ो, जोड़ के एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आपका सपोज यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर आपका 14 आ गया, समझना थोड़ा स्पीड में। अब यहाँ पर हमने देखा 7 × 7 = 14, अगर यहाँ पर ये रेशियो आ चुका है तो हमने क्या किया, हम बता रहे हैं आपको एग्जाम में करना है, यहाँ पर 14 आ गया तो 14 इसको बनाने के लिए क्या करें, एलसीएम तीनों का कितना है 14, इसको बनाने के लिए 2 से गुणा किया, 2 से इधर गुणा कर दिया, इसको 14 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, इधर कर दिया, इसको 14 से पहले तो 1 से गुणा कर दिया, ये आपका बन गया, ये बन गया आपका, ये बन गया तो उठाकर 6 को इससे गुणा, 6 × 5 = 30, यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया, 8 × 6 = 48, देखो फास्ट कर रहे हैं आपका थोड़ा सा, और 5 × 1 = 5 और 5 × 9 से गुणा किया तो 45, ये बन गया, इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इस प्रकार से दूध लिख देना और इसी प्रकार से पानी लिख देना, तुरंत काट देना, क्लियर है। अब अगर आप इस तरीके से करते हो, इस तरीके से, तो आपका हो सकता 40 सेकंड 45 सेकंड, या हद है आपका 60 सेकंड लगे, क्लियर है। छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी, जल्दी जल्दी कर देना तो आप आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया सारी चीज़ें, विस्तार से बताई हैं, ऐसे 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 करोगे बच्चों के तरीके से, आपको इस प्रकार से करना है जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, और ये उनके लिए है जो स्मार्ट थोड़ा है। चलिए, अब इसी टाइप का सेम सवाल हम आपको देते हैं, अब इसको आप लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे मैंने ये तरीका बताया यहाँ पर ऐसे आप करोगे, ठीक। बाकी ये दो तरीके देखो, तरीके सब एक हैं, ये हम नहीं कहते कि हमने कोई नया तरीका ऐसे बना लिया है, कोई नया तरीका नहीं है, बस हमने कैलकुलेशन करते करते इसी को अभी तुरंत सीख लिया, हमने सोचा चलो इसको भी बता दें, ये भी सही है, हो गया। चलो इस सवाल को देख लो भाई, इस सवाल को आप बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा अगले टाइप में, अगले टाइप में इस प्रकार सवाल बनेंगे, क्या होता है कि बताते हैं आपको थोड़ा सा, जैसे एक होगा आपका ये मान लो है, इसमें दूध है और पानी है, ठीक है, मान लो इसमें है 10 लीटर, एक व्यक्ति क्या करेगा, इसमें से एक दूध वाला है और वो बेचने के लिए निकला है, उसके पास 10 लीटर दूध और पानी का घोल है, मतलब कि उसके पास पतला दूध है, उसने क्या किया 2 लीटर बेच दिया, 2 लीटर बेच दिया, और बेचने के बाद देखा आगे एक नल लगा था, 2 लीटर वहाँ से पानी उसने भरा फिर डाल दिया, तो उसका पहले 2 निकल गया तो मतलब कितना बचा, 8 बचा, 8 बचा था उसका क्या, ये दूध और पानी बचा था, उसने ऊपर से पानी और डाल दिया, क्या डाल दिया पानी, कितना डाला जितना उसने बेचा था, फिर उसका 10 हो गया, फिर उसने तीसरी जगह पर गया दूसरी जगह पर, फिर उसने 2 बेचा, फिर 2 पानी डाल दिया, फिर 2 दूध बेचा, दूध क्या बेचेगा, तो मिश्रण ही बेचेगा ना, वो चीज़ बेचा पानी डाला, बेचा पानी डाला, तो इस प्रकार से उसका क्या होगा, धीमे धीमे एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी और दूध की मात्रा सबसे कम होगी, क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि अंत में
पानी कितना बचा, या अंत में दूध कितना बचा, या प्रारंभ में दूध कितना था, या प्रारंभ में पानी कितना था। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि मैथ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप एग्ज़ाम में ही उसको करें। एग्ज़ाम में तो अलग बात है करने के लिए, ये हमको जानना भी चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। चलो सवाल की तरफ देखते हैं, सवाल बढ़ते हैं। सवाल में कहा है एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है। कितना है? 40 लीटर दूध है। यदि इसमें 4 लीटर निकाल कर, क्या दिया है? 4 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए, मतलब दूध निकाल लिया कितना 4 लीटर, उतना ही पानी मिला दिया जाए तो उसके स्थान पर मिला दिया जाए, यह क्रिया इसके बाद दो बार और दोहराई जाए। कितनी बार? दो बार और दोहराई जाए तो अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध की मात्रा कितनी होगी, ये चीज़ आपसे पूछी। अब इसके लिए आपको छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला हम इतने दिन बाद आपसे कह रहे हैं, ये याद कर लो। क्या होता है? तो है शेष मात्रा बटे अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा बराबर 1 - b/a पूरे की पावर n। ये है सवाल, बाद में समझ लेना, पहले इसको समझो क्या है। देखो शेष मात्रा का मतलब जो लास्ट में मात्रा बची है, किसकी बची है? तो कांस्टेंट जो नियत है, अगर पानी निकाल के डाल रहे हो, पानी बराबर निकाल के डाल रहे हो, तो वहाँ पर स्थिर क्या है? दूध। दूध मान लो आप 10 लीटर दूध लेकर चले थे, 40 लीटर दूध लेकर चले थे, तो दूध तो आपने डाला नहीं रास्ते में, डाला क्या है? पानी। तो दूध क्या आपका? दूध होगा स्थिर। तो उसकी शेष मात्रा पूछ सकते हैं, अंत में दूध कितना बचा। अंतिम मात्रा तो पूरे विलयन की अंतिम मात्रा कितनी होगी, ठीक है? फिर क्या है आपका, फिर क्या होता है? देखो शेष मात्रा, ये आप यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ दें, शेष स्थिर मात्रा, शेष स्थिर मात्रा, ये जोड़ लेना, ठीक। बी का मतलब होता है, बी का मतलब यहाँ बता दें, बी का मतलब होता है डाली गई मात्रा या निकाली गई मात्रा, डाली या निकाली। तो डाली या निकाली, कौन कितना डाला जाएगा, कितना निकाला जाएगा, तो ये हम बी से बताएंगे। ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा मतलब स्टार्टिंग की मात्रा, शुरुआत की मात्रा कितनी थी, प्रारंभिक मात्रा, ठीक। तो ये हो गई। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी, प्रक्रिया की संख्या, प्रक्रिया संख्या, प्रक्रिया संख्या, या प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, या फिर ये क्रिया जो की जा रही है दो बार की जा रही है, 10 बार की जा रही है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको समझ लेना। शेष स्थिर मात्रा बटे क्या रहेगा, बटे, तो बटे अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा किसकी, पूरे घोल की, फिर बराबर 1 - b/a पूरे की पावर n। इतना याद कर लेना, जैसे आप उसकी याद करते हैं ना फॉर्मूले चक्रवृद्धि ब्याज के, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है, मैंने एक भी फॉर्मूला उसमें नहीं बताया है, तो उसका औसत आप यहाँ निकाल लो छोटा सा फॉर्मूला याद करके। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं आगे इसकी तरफ। चलो अच्छा क्या, इसको छोड़ दें इसे। सवाल में कहा था कि जो भी था आपके सामने सवाल आप पढ़ लीजिए, सवाल में दिया था, तो इसमें बताया है कि अंतिम मात्रा का हम बात करें, अंतिम मात्रा आपके पास मालूम है क्या? आपसे पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितनी होगी, अंत में दूध की मात्रा, मतलब कि अंत में दूध की मात्रा या स्थिर मात्रा, स्थिर मात्रा की बात कर रहा है। दूध क्या है? स्थिर है। अगर दूध स्थिर है तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हमने मान लिया दूध की मात्रा रही थी x, हमें नहीं पता अंत में मात्रा, विलयन की मात्रा कितनी होगी, अंत में जो घोल की मात्रा होगी, तो अंत में घोल की मात्रा आपकी कितनी है, 40। पहले भी 40, क्योंकि 4 लीटर निकाला, 4 लीटर डाला, तो को बैलेंस आपका बराबर रहा, न कम हुआ न ज़्यादा हुआ, ठीक। तो ये 40, 1 - b, डाली निकाली कितनी है 4, और प्रारंभ में, प्रारंभ में जो मात्रा है, प्रारंभ में विलयन की मात्रा कितनी है, तो प्रारंभ में ये विलयन लिख लो यहाँ पर, विलयन या घोल, ठीक है, घोल, यहाँ पर भी क्या है, घोल है, ठीक, लिख लेना इसको। ए, ए का मतलब क्या है, प्रारंभ में, अब कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है, तो एक बार निकाल लिया, उसके बाद दो बार और दोहराई गई, दो बार और, तो एक बार ये और दो बार और, तो कुल बार कितना हो गया आपका, 3 हो गया, बस कुछ नहीं करना है। ये 4 से कटा 10 बार में, ठीक, 10 को 1 से किया, 10 एक 10, और 10 में से 1 चला गया 9, तो 9/10, अब ये आपका x/40 ये बन गया। अब क्या करना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 9 × 9 × 9/10/10/10, ठीक, x ऐसे रोक दो आप इसको, और 40 उधर भेज दो,
ये इस प्रकार कुछ बन जाएगा, जीरो से एक जीरो कटा, बाकी क्या करना है गुणा करना है, नौ नवा इक्यासी, नवा सात सौ उनतीस, चार से ये गुणा कर दिया और बटे कितना अभी है सौ बटे में है, ठीक, चार से गुणा करो, चार नवा छत्तीस का छः, चार दूनी आठ, तीन ग्यारह, हासिल एक, चार सते अट्ठाईस से उनतीस और बटे सौ, सौ बटे का मतलब ये जीरो काटा, ये जीरो काटा, दशमलव आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया उनतीस दशमलव सोलह। एक्स का मतलब शेष स्थिर मात्रा, तो शेष स्थिर मात्रा या स्थिर कौन था, दूध था, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी अंत में, ये तीन बार घटना करने के बाद में दूध की मात्रा हो जाएगी उनतीस दशमलव सोलह लीटर, इतना हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा, क्लियर है भैया ये चीज़ें। चलो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक, हटा दे इसको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा, सवाल पढ़िएगा जल्दी से, सवाल में क्या दिया है आपका, चलो सवाल में देखते हैं, सवाल में कहा आपके सामने एक ग्वाले के पास 100 लीटर दूध है, कितना है 100 लीटर, तो इसकी मात्रा कितनी प्रारंभिक 100 लीटर है, जिसमें 10 लीटर दूध निकालकर वह उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला देता है, कितना 10 लीटर निकाला 10 लीटर मिलाया, प्राप्त मिश्रण में यही प्रक्रिया दो बार दोहराई जाती है, अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा, अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा, तो ये आपको पता है शेष स्थिर मात्रा, शेष स्थिर मात्रा बटे क्या हो जाएगा आपकी अंतिम घोल की मात्रा, अंतिम घोल कह दो या विलयन कह दो, घोल की मात्रा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपको पता है वन माइनस बी अपान ए पूरे की पावर एन, ये बन गया। तो अब क्या करना है, शेष स्थिर मात्रा निकालने के लिए, शेष स्थिर मात्रा हम मान लेते हैं क्या होता है एक्स होता है, एक्स हो गया, ये अंतिम घोल की मात्रा, अंतिम घोल की मात्रा कितनी होगी जितनी उसकी प्रारंभ में थी, क्योंकि उसने 10 निकाला 10 मिलाया, 10 निकाला 10 मिलाया, रहा तो उतना ही, जितना निकाला उतना मिलाया, वो अलग की बात उसने पानी मिलाया, ठीक, तो उसकी कितनी मात्रा है अंतिम घोल की मात्रा 100, हम इसको यहाँ लेकर गए हैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक, 1 माइनस बी कितना निकाला उसने, डालिया निकाली गई मात्रा 10, और उसकी प्रारंभ में घोल कितना था 100 लीटर था, प्रक्रिया उसने कितनी बार की है, तो ये प्रक्रिया उसने यही प्रक्रिया दो बार और दोहराई है, दो बार और दोहराने का मतलब उसने तीन बार दोहराई है, ये हो गया, ये आ गया, क्या करना है जीरो से जीरो कट गया, दस इक्कन दस और दस में से एक गया नौ, तो नौ बटे दस, और कितनी बार है तो तीन बार है, तो नौ बटे दस, नौ बटे दस, ये आ गया, अब कितना है हंड्रेड, जीरो 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 जीरो, नौ नौ इक्यासी, नौ सात सौ उनतीस बटे दस, ये आ गया, तो अंतिम ये या आपका जो अंत शेष स्थिर मात्रा होगी लास्ट में, तो शेष स्थिर मात्रा जो आपकी है शेष स्थिर दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, अब कितनी दूध की मात्रा 72.9 लीटर, क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल में कहा है 25 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में 5 लीटर दूध निकालकर, इसको हटा दें, इसके शॉर्ट ले लो फिर बताते हैं आपको, ठीक है, इसको भी ऐसे करते हैं। चलिए जो आपको समझाने का था इसलिए मैंने आपको टाइम ले लिया, अब कुछ खास टाइम लेना नहीं इसमें है। अगला सवाल दिया है 25 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में कितना दूध है 25 लीटर, तो इसमें एक घोल की मात्रा कितनी है प्रारंभ में, घोल की मात्रा 25, अब मान लो इसमें कोई 10 निकाल रहा है 10 डाल रहा है 10 निकाल रहा है 10 डाल रहा है, पानी निकाले या शराब डाले या पानी डाले या शराब निकाले जो भी, लेकिन घोल की मात्रा तो उतनी रहेगी, क्लियर है, तो प्रारंभ में घोल की मात्रा और अंत में घोल की मात्रा, ये अंत में घोल की मात्रा और ये प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या रहेगी इक्विवेलेंट रहेगी, समान रहेगी, बराबर रहेगी। चलिए अब इसको देख लेते हैं आगे जल्दी से, 25 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यही प्रक्रिया दो बार दोहराई जाती है, कितनी बार दो बार दोहराई जाती है, और उसमें क्या था दो बार और दोहराई जाती है, तो दो बार दोहराई जाती है, अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। चलो देखते हैं इसको जल्दी से, चलिए तो शेष स्थिर मात्रा हमको पता नहीं है, शेष दूध की मात्रा कितनी होगी तो मान लिया x है, इसको अंतिम मात्रा को उधर भेज दिया तो अंतिम घोल की मात्रा कितनी है 25 लीटर, क्योंकि बाद में कितना रहा 25, पहले भी 25 बाद में 25, क्योंकि मिलाने पर मात्रा तो घटी नहीं, डाली निकाली कितनी गई है तो डाली निकाली गई है आपकी 5 लीटर, और प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी 25 थी, कितनी बार प्रक्रिया की गई है दो बार की है, बस केवल दो बार की है, 25 पाँच इक्कन पाँच, पाँच में से एक गया चार, तो चार बटे पाँच, ये दो बार किया घटना है तो चार बटा पाँच एक बार और लिख दिया, कितना है
पच्चीस, पच्चीस से पच्चीस कट गया, चार चक्कू सोलह। तो ये मुझे बता दो x बराबर क्या था, शेष स्थिर मात्रा या दूध की मात्रा? किसकी? दूध की मात्रा, दूध की मात्रा। ठीक, तो शेष दूध की मात्रा कितनी हो गई? 16 हो गई। अंत में अगर शेष दूध की मात्रा 16 बची है, 16 लीटर बचा है, और अंत में पूरा घोल कितना था? 25 लीटर। तो अगर 16 लीटर दूध है तो 25 से 16 घटा दो, कितना आएगा? 9 आएगा। तो दूध हो गया 16 और पानी कितना बचा भैया आपका? 9 बचा। यही आपका दूध और पानी का अनुपात आ गया। क्लियर है? तो कुछ खास नहीं था, अगर इसको आपने अगर अच्छे से करेक्टली समझा है तो। अगर आप सोच रहे हो कि उसी स्पीड से पढ़ाते रहें धीमे 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 धीमे, तो एक दो क्वेश्चन आपको बता देते इसलिए क्योंकि आपका जो माइंड सेटअप है वो बन जाए, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो इसलिए हमने उसमें टाइम ले लिया। अब इसमें टाइम लेने वाला क्वेश्चन है ही नहीं जो आपका टाइम ले इसमें। क्लियर है? तो ये आराम से समझ लो इसमें क्या था। शेष त्रिमात्रा पूछी गई थी, शेष त्रिमात्रा में निकाल ली कितनी, लास्ट में बचा होगा दूध 16 लीटर और 25 लीटर लास्ट में भी घोल है, तो पानी कितना आया? 9, 16:9। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये आपके लिए है और इस सवाल को आप लगा करके, ये दो सवाल मैंने दिए हैं, इस लगा करके जल्दी से इसको हमें सेंड कर दीजिएगा। अब देखते हैं कितना आ जाएगा। जब भी आप इसको कभी भी देखना, अगर आपको सवाल आपके समझ में आए तो सवाल को लगा करें कमेंट जरूर कर देना, कभी भी आप देखना इस चीज़ को। ठीक, चलिए तो अब यहीं पर रखते हैं क्लास को और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।